वेलकम गाइस अगेन। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारी हफ्ते में दो बार मीटिंग्स होती हैं, मंडे और वेंसडे। वेलकम यू ऑल फॉर वेंसडे मीटिंग। इस मीटिंग का एग्जैक्टली क्या मुद्दा है वो मैं ज़रा आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे कि हमारी कंपनी के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि 1974 में हमारी कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। मिस्टर गुप्ता ने जो इस कंपनी की नींव रखी थी, ये सोच के रखी थी कि वन डे विल लिस्ट आवर कंपनी इन दी स्टॉक मार्केट, और उसमें हम लोग अचीव भी हुए। आप सबकी मेहनत की वजह से और आपके कंटिन्यूस एफर्ट्स, हार्डवर्क, आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू ऑल एंड आई रियली अप्रिशिएट टू ईच एंड एवरी मेम्बर ऑफ द कंपनी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया मीटिंग में, पिछली मीटिंग में भी बताया, मंडे की मीटिंग में और आज की वेडनेसडे की मीटिंग में भी बताया कि हमने साथ में मिलकर काम किया है और आगे भी फ्यूचर में भी हमें साथ मिलकर ही काम करना है। एनी क्वेश्चंस एनीवन? सर, आई हैव अ क्वेश्चन। यस प्लीज। जैसे कि अभी आपने बताया कंपनी और हमें एक साथ मिलकर काम करना है, इसका मतलब हम ये समझे कि हमें कंपनी के साथ मिलकर काम करना है? यस, वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमारा मीटिंग का मुद्दा यही है कि आपके सारे डाउट्स, आपके क्वेश्चंस क्लियर किए जाएं। अभी क्लियर होएगा ये। तो जैसे कि अभी मैंने आपसे बताया और पिछली मीटिंग में भी बताया था कि कंपनी जो है अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रही है। कंपनी का प्रॉफिट तभी हो सकता है जब उसके एम्प्लॉयज का प्रॉफिट हो। Any doubts? Sir, I have a question. Yes. जैसे कि आप बता रहे हैं कंपनी और हम एक परिवार की तरह हैं, इसका मतलब कंपनी और हम एक फैमिली है? बिल्कुल, absolutely. We are a family. तो guys, finally इस मीटिंग का मुद्दा ये था कि आप लोगों को बता सकूं मैं दो दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। I'll be on leave for 2 days. Anyhow, I'll be available on WhatsApp. आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। I'm available. क्या हुआ? I'm sorry. वो सर एक्चुअली मेरे पापा की और मेरे ताया की बिल्कुल नहीं बनती। उसका इस मीटिंग से क्या? मैं आपको बताता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ सर, मेरे पापा और मेरे ताया आपस में सगे भाई हैं, इनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। हमारे एक चाचा भी थे सर, इनकी एक दुकान थी। मेरे पापा का शुरू से ये सपना था कि वो एक बिजनेसमैन बने। पापा तो बन नहीं पाए, ताया बन गए। सर प्रॉपर्टी का कुछ मसला चल रहा था जिसकी वजह से हमारे ताया जो थे हमारे पापा से सही से बात करते थे। हमारे दादा ने भी काफी समझाया। एक बार मेरे पापा से भी कह रहे थे कि भाई आप अपने भाई को समझा लो, तो वो से कहने लगे मैं तो नहीं समझाऊंगा, आपका भी बेटा आप खुद समझा लो। तो इस चक्कर में सर हमारे पापा अपने ताया से बिल्कुल अलग हो गए। जो ताया की तरफ से वकील था वो रात हमारे पास आया, वो कहने लगा कि भाई दुकान आप ले लो, प्लॉट हम ले लेंगे। गर्मा गर्मी से होने लगी, चाचा बोले कि यार तुम प्लॉट क्यों ले रहे हो? ताया बोले कि नहीं मेरा प्लॉट नहीं है, मैं नहीं लूंगा। आपस में गर्मा गर्मी होने लगी। मैं भी सर जब पापा को गुस्सा आया, ऑब्वियसली मैं उनका बेटा हूं, तो मेरे को गुस्सा आया। मैं सर उठ के गया, ताया के बाद आप बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हैं हमारे डैडी से? वो बोले तेरे डैडी मेरे भाई नहीं है। तो सर इस गर्मा गर्मी में जैसे वो पापा भी चल गया है ना, मैं भी चला गया क्योंकि मेरे पापा मेरे को बुरा लग रहा था। जब मैं चल गया सर उनके घर, जो कुर्सी पड़ी थी ना, कुर्सी से मेरी उंगली पे लग गई, तो वो दोबारा इस कुर्सी पे लगी है, उसकी वजह से थोड़ा पेन हो गया था। आई एम सॉरी। ये डायरेक्टली भी बोल सकते थे, ये सब कहानी बनाने की क्या जरूरत थी? एग्जैक्टली सर, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये चीज आप डायरेक्टली बोल सकते थे कि आप दो दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं। सर आप हमारे चेहरे देखिए मासूम हो गए, पिछले 1.5 घंटे से हम आपको झेल रहे हैं कि अब आप पॉइंट पे आएंगे, अब आप पॉइंट पे आएंगे। सर क्या जरूरत थी आपको 1974 से शुरू करने की, जब कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, जिससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है? सर आपको मालूम है पिछले 5 साल से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। हर मंडे और हर वेंसडे आप 2 बार मीटिंग लेते हैं। अगर मैं मान के चलूँ कि एक मीटिंग में 2 घंटे बर्बाद होते हैं, तो आप 1 हफ्ते में 4 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि 1 महीने में आप 16 घंटे बर्बाद कर देते हैं। पिछले 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस कंपनी में, 1 साल में आपने 192 घंटे बर्बाद कर दिए और पिछले 5 साल में 960 घंटे हमारे बर्बाद हो गए। अगर आप 960 घंटे को कैलकुलेट करेंगे दिनों में, तो इसका मतलब ये कि हमारे 40 दिन आपने सिर्फ मीटिंग्स में निकाल दिए, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। सर आई एम सॉरी, लेकिन ये मीटिंग ईमेल भी हो सकती थी। और ईमेल भी छोड़िए सर, आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते ना, आप 2 दिन की छुट्टी पे, हम समझ जाते 2 दिन की छुट्टी पे और आपसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते थे। सर ये इतना लंबा जो आप कॉन्टैक्ट कर लेते ना, हमारा दिल नहीं करता कि उसके बाद 1 सेकंड के लिए भी आपसे कॉन्टैक्ट किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको मीटिंग करनी है हर हफ्ते, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। सर इस कंपनी में मीटिंग के अलावा कभी आपने हमसे आगे ये पूछा और भाई क्या हो रहा है? मीटिंग में ही सारी दुनिया की बातें समझ में आती है। इसलिए आई एम सो सॉरी सर, मैं अपने वर्क स्टेशन पर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 घंटे में बहुत कुछ काम कर सकता था। 2 घंटे में जो आपने बात कहनी थी वो मैं 1 सेकंड में समझ गया था। थैंक यू सो मच सर, मुझे नहीं करनी मीटिंग। एनीवे गाइस, होता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं 2 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा हूँ। एनी क्वेश्चंस? सर आई हैव अ क्वेश्चन। उंगली नीचे कर। ये तो 40 दिन अभी बता के गया हूं ना, तुम जैसे लोगों के चक्कर में उसमें से 38 दिन बर्बाद हुए तुम्हारे आई हैव अ क्वेश्चन के चक्कर में। अगर सबसे इतने क्वेश्चन पूछे घर जाके पूछे ना, आई हैव अ क्वेश्चन। एम्प्लॉय तो क्वेश्चन आ रहे, आई हैव अ क्वेश्चन। और मुझे मालूम है तेरा सवाल क्या होगा। अभी सर ने बताया ये 2 दिन की छुट्टी पे, और आपका अगला सवाल क्या होगा? सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर बोलेंगे यस, क्या आया आपका क्वेश्चन? सर इसका मतलब ये आप 2 दिन की छुट्टी पे? चुप करो, उंगली नीचे रख। नो आई हैव अ क्वेश्चन, आई एम सॉरी।
आपको बुरा तो नहीं लगा? तुझे अभी बुरा नहीं लगा? तू इतना बेकार है, तू मीटिंग खेल में काम कर रहा हूं।